आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो अच्छे से लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं लोग वीडियो टाइटल फर्स्ट पाकिस्तान हिंदू विजिट राम मंदिर अयोध्या। तो जी बिल्कुल पाकिस्तानी एक हिंदू गए हुए हैं जो स्पेशली इंडिया का मैं विजिट करवा रहे हैं तो उस पर लोग क्या बोलते हैं, वो क्या क्या चीज़ें हमें दिखाते हैं, वो बाई पर देखते हैं वीडियो फिर इस पर। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई विनय कपूर ब्लॉग्स का जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनका एक दूसरा वीडियो भी मेरे पास आया है, फर्स्ट पाकिस्तानी हिंदू विजिट राम मंदिर अयोध्या इन इंडिया, पाकिस्तान टू इंडिया। चलिए देखते हैं भाई कि राम मंदिर गए तो कैसा लगा। पाकिस्तानी हिंदू हैं तो जाहिर सी बात है अब देखा होगा वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसा दिखेगा नहीं, इतना बड़ा मंदिर इतनी बड़ी चीज़ है तो दिखेंगे नहीं। चलिए लेट्स सी। जय श्री राम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए व्लॉग्स में। सो फ्रेंड, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भगवान श्री राम जी की नगरी अयोध्या के अंदर और अभी मैं जाने वाला हूँ हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए जो कि हनुमान गढ़ी के अंदर मौजूद है। और कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि जो भी अयोध्या के अंदर आएगा वो सबसे पहले तुम्हारे दर्शन करेगा। सो हम भी हनुमान मंदिर के दर्शन करने के बाद जाएंगे भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि। और ये सारी यात्रा जो है वो मैं नंगे पाँव करने वाला हूँ, बिकॉज जब हमारे भगवान श्री राम जी 14 वर्ष तक जो वन में नंगे पांव चल सकते हैं तो हम तो उनके भक्त हैं। ये जो पूरी अयोध्या नगरी मेरे लिए एक मंदिर की समान है। उसके बाद गाइस हम जो बाकी सारी विनय भाई सिर्फ आपके लिए नहीं है, इस दुनिया में हर हिंदू के लिए पूरी अयोध्या नगरी एक मंदिर है। ये बिल्कुल सही बात है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, हम सबके लिए, हम सारे हिंदुओं के लिए, दुनिया में कहीं भी कोई हिंदू, सबके लिए अयोध्या नगरी जो है वो मंदिर है। उस धरती बस समझ जाइए प्लेसेस कवर करेंगे जैसे कि दशरथ महल हो गया और कनक भवन हो गया और सरयू घाट। और मुझे यहाँ के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सो फ्रेंड्स अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और अपने भाई को जो माफ़ कर देना कोई गलती हो जाए तो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, जितना हो सके सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए और ले आऊं। सो फ्रेंड्स आपको रूम टूर करवाते हैं। तो ये है अपना रूम, डबल बेड वाला रूम है और ये कंबल है और एक एक्स्ट्रा कंबल रखा हुआ है यहाँ पे, तो काफ़ी क्लीन है। था अपना रूम जो कि पड़ा हमें तकरीबन 2200 रुपये के अंदर और काफ़ी बढ़िया था। और ये था डबल बेड। तो अब छोड़ के जाने का समय हो चुका है तो अपना बैग वैग पैक कर दिया है तो अब जा रहे हैं बाहर की ओर। ये है अयोध्या धाम जंक्शन जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उतना ही बाहर से खूबसूरत है। सो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं आगे की ओर और यहाँ पे देख सकते हैं जगह जगह आपको भगवा कलर के झंडे नज़र आएंगे। और अयोध्या के अंदर ज़्यादा ट्रैवल के लिए जो है वो ई रिक्शा यूज़ किया जाता है जिसका जो रेंट 10 रुपये के लेकर 50 या 100 या 150 के बीच में ही होता है तो आप ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं। तो अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोग जो है वो दूर दूर से आए हुए हैं और दूसरी साइड पे देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने जो गले के अंदर एक कार्ड पहन रखा है, वो स्पेशल ट्रेन जो है सिर्फ अयोध्या के लिए चलाई गई है। तो देखें काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट हो चुका है बारिश के बाद। और ये देख सकते हैं हम फाइनली जो पहुँच चुके हैं हनुमान गढ़ी की तरफ और अभी यहाँ पे जो है दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे आगे की ओर। तो ये है गाइस बाहर का व्यू देख लें। अभी हम आ चुके हैं हनुमान गढ़ी की तरफ और यहाँ पे जो है वो काफ़ी भीड़ है और काफ़ी लोग जो लाइनों में लगे हुए हैं और ये पूरा जो हनुमान जी को चढ़ाए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को लाइन दिखाता हूँ, यहाँ से जो लाइन शुरू हुई है हनुमान गढ़ी के लिए। जय श्री राम। ये है हनुमान गढ़ी और देख सकते हैं कितनी भीड़ है, काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, हर भक्त जो है अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स अभी कुछ ही पल बचे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं हनुमान मंदिर के अंदर और आप लोगों को भी हनुमान जी के दर्शन कराएंगे। तो ये देखें सामने ही हमारे जो है वो हनुमान जी विराजमान हैं और दर्शन करके खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ मैं। आपको जगह जगह दीवारों पर हनुमान चालीसा और मंत्र लिखे हुए नज़र आएंगे। और ये है हनुमान।
वैसे हम भी बहुत हनुमान जी को ही मानते हैं, और पीछे आपने उधर देखा है ना हनुमान जी, और बहुत शुरू से, तो बचपन से, मतलब बचपन से मुझे हनुमान जी बड़े पसंद रहे हैं, और बचपन से मैं हनुमान जी को ही मानता हूँ। मतलब मानता तो सबको हूँ, लेकिन जो मेरे आराध्य हैं वो भगवान बजरंगबली हैं। तो बस कृपा बनी रहे, और बचपन से बनी हुई, और देखिए सुख दुख अलग चीज़ें हैं, कृपा बनी हुई और बनी रहेगी। अच्छे कर्म करते रहेंगे तब तक बनी रहेगी, बुरा कर्म करेंगे तो भगवान जी कृपा नहीं बनेगी, भाई सीधी सी बात है। तो अच्छे कर्म कीजिए, किसी को दुख मत पहुँचाइए। मंदिर और भगवान श्री राम ने वैकुंठ धाम जाते हुए हनुमान जी को अयोध्या का राजा बनाया था, इसलिए जो है अयोध्या में आने के टाइम सबसे पहले जो है वो हनुमान जी के दर्शन करना ज़रूरी होता है। पास में ही भगवान श्री राम जी और माता सीता और लक्ष्मण जी का मंदिर है, और यहाँ पे दीवारों पे जगह जगह आपको जो है वो हिंदी में मंत्र लिखे हुए नजर आएंगे। फाइनली जो है वो हनुमान गढ़ी के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगा, काफी भीड़ थी, मतलब क्या संडे का दिन है तो काफी लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन जी करने, दर्शन करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से है सर आप? हम कनाडा से। कनाडा से आए हो? मैं और मेरी धर्मपत्नी। अच्छा, पहले भी आप आए हैं? नहीं, पहली बार आए जी। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। राम मंदिर के दर्शन कर लिए? नहीं, अभी जाएंगे, अभी हनुमान जी से परमिशन ली है। अच्छा, अब वहाँ जाएंगे। सही सही। आपका कौन सा चैनल? विनय कपूर व्लॉग्स। विनय कपूर व्लॉग्स। व्लॉग्स। ओके सर, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। श्योर। देखिए कितनी खूबसूरत गलियां हैं हनुमान गढ़ी की, तो मैं तो यहाँ के कलर देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं डमरू वाले भाई साहब भी बैठे हुए हैं, और काफ़ी जो है लोग जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो गाइस, ये है माखन मिश्री, और बहुत ही टेस्टी है, और ओनली 20 रुपये की है, हनुमान गढ़ी के पास मिलती है, आइए और खाइए। हम पहुंच चुके हैं राम मंदिर, जो कि अयोध्या के अंदर मौजूद है, और पावन धरती के ऊपर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आप लोगों को जो है वो भगवान जी के दर्शन कराने की कोशिश करूंगा। तो अभी मॉर्निंग का समय है, काफ़ी भीड़ है। फ्रेंड्स, ये है मंदिर सामने की ओर, तो चलते हैं मंदिर की ओर। फ्रेंड्स, ये है मंदिर के बाहर का व्यू, देख लो काफ़ी यात्री आए हुए हैं। था मंदिर का मुख्य द्वार, और अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, और देख सकते हैं सभी कर्मचारी जो है वो बारिश के अंदर भी अपनी ड्यूटी को है पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, और हम सभी भक्तों के लिए। और इस तरफ देख सकते हैं काफ़ी भक्त जो है वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं जैसे जैसे मॉर्निंग हो रही है। मेन डोर है गाइस मंदिर का। अभी हम अयोध्या धाम के अंदर जो प्रवेश कर चुके हैं, अब जा रहे हैं हम भगवान जी के दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स, फाइनली आगे की ओर बढ़ रहे हैं और मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर की ओर जो छतें बनाई जा रही हैं ताकि गर्मी के टाइम जो भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। अभी हम जा रहे हैं मंदिर जी के दर्शन करने के लिए, तो पीछे काफ़ी यात्री जो आ रहे हैं, और सुबह का टाइम है, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने अंदर के जो मतलब भावनाएँ हैं, जो वर्ड्स है, वो बयान नहीं कर पा रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ, और भगवान जी ने मुझे यहाँ पे मौका दिया। ये जो इनके साथ में चल रही है बहन हमारी, ये वही बहन है क्या जो ट्रेन में थी? मुझे लग रहा है चेहरा कुछ मिलता जुलता लग रहा है, जो पिछला ब्लॉग इनका किया था हमने ट्रेन वाला, तो शायद ये वही हैं, शायद बहन वही हो हमारी, मतलब मुझे लगा ऐसा, आप बताइए। दर्शन करने के लिए तो गाइस बने रहे, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भी दर्शन करवा पाऊँ, और आगे सेलफोन ले जाना अलाउ नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा। तो फाइनली मुझे एक कपूर मिल चुका है। तो आपका नाम क्या है? समृद्धि कपूर। यू मे सर्च ऑन गूगल एज वेल। ओ भाई साहब। अच्छा, तो आप पहली बार आए हो? जी। किसके साथ आए हो? अपने फ्रेंड के साथ। फ्रेंड के साथ बस दो लोग ही आए हो? जी। अच्छा, पंजाब में कौन सी जगह से हो? अबोहर, बठिंडा के पास। बठिंडा के पास में आए हैं, तो ये समृद्धि कपूर है, और हम दोनों कपूर को आप फॉलो करो, जितना सपोर्ट करो। तो मंदिर में आने के बाद आपको मतलब कैसा लग रहा है? बहुत लिटरली बहुत भावुक है, इतना मतलब भगवान जी ने बुलाया वो भी इतनी जल्दी। अच्छा, वर्ड्स नहीं। ठीक है, तो जय श्री राम। जय श्री राम। सो गाइस, देख सकते हैं काफ़ी लोग दूर दूर से आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स आ चुके हैं मंदिर के हॉल के अंदर, तो देख सकते हैं काफ़ी बड़े लेवल पर जो है मंदिर को बनाया जा रहा है, हर तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और सुबह सुबह का समय है, देखो काफ़ी भीड़ आ चुकी है, और हर तरफ जो वो जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, और बहुत ही दिल को मोह लेने वाला व्यू है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है राम जी के दर्शन करने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ, भगवान जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आऊँ और दर्शन कर सकूँ। इस तरफ पानी का स्टॉल लगा हुआ है, और
काफी भीड़ है फ्रेंड्स। पूरे मंदिर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बहुत ही तेजी के साथ किया जा रहा है और आने वाले कुछ ही सालों बाद जो है इस मंदिर का पूरा लुक ही चेंज होने वाला है। तो अभी हम चल रहे हैं लॉकर रूम की तरफ और अपना जो सामान वो लॉकर रूम में रखेंगे। इस तरफ लॉकर है जहाँ पे आप सामान रख सकते हो, अपना कीमती सामान वगैरह रख सकते हैं। फ्रेंड्स भगवान श्री राम जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और मंदिर के अंदर जो है वो कैमरा अलाउ नहीं है, ये मैंने कुछ क्लिप्स ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए और बाहर जो है मैंने किसी से रिक्वेस्ट करके जो सेल फोन लिया था ताकि मैं थोड़ा सा बाहर से भी व्यू दिखा सकूं। सो फ्रेंड इस मंदिर के अंदर जो है वो सीमेंट का बिल्कुल सुना है कि यूज़ नहीं किया गया और इसका जो पत्थर टोटल है वो राजस्थान से यूज़ किया गया है और ये मंदिर जो हज़ारों साल तक ऐसे ही चमकता रहेगा। फ्रेंड्स दर्शन वगैरह करके बाहर आ चुके हैं और देख सकते हैं अब बिल्कुल जो एग्जिट होने वाले हैं और यहाँ पे आपको जगह जगह जो मंकी बंदर मिलेंगे। देखिए साल भर साल या डेढ़ दो साल आप मान के चलिए, दो साल में आपको पूरी अयोध्या नगरी बदली हुई नजर आएगी। अभी तो जो उसका मास्टर प्लान है वो बहुत बड़ा काम है, उसका बहुत बड़ा काम है। मंदिर के अभी बहुत सारे हिस्से बनने हैं, मंदिर में बहुत सारी चीजें एड ऑन होनी है। अभी तो जो मुख्य मंदिर है वो तैयार हुआ है, इसके अलावा तो कैंपस बहुत बड़ा है ना उसका, तो बहुत जबरदस्त बनने वाला है। एयरपोर्ट चालू हो चुका है, रेलवे स्टेशन चालू हो चुका है। रेलवे स्टेशन का आपने देखा ही है, पूरा नक्शा बदल गया है बिल्कुल और लगता है कि भाई आए हैं भगवान प्रभु राम की नगरी में। तो बहुत कुछ बदलने वाला है और पिछले 5 साल में अगर मैं बताऊं, जब भी साल में 2 से 3 बार मेरा आना जाना होता है तो अयोध्या होके ही जाता हूं मैं, तो 5 साल में नक्शा बदल चुका है वहां पे। इतना ज़्यादा होटल्स वहाँ पे आ चुके हैं, रेस्टोरेंट्स आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। जाहिर सी बात है कि भाई जब महीने में लाखों श्रद्धालु आएंगे अयोध्या में तो उनको संभालने के लिए, उनको सर्विसेज देने के लिए चीज़ें चाहिए ना, होटल चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए, सुविधाएं चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आप समझ रहे हैं। तो कितना बड़ा टूरिज़्म का बिजनेस होने वाला है वहाँ पर आपको अंदाज़ा नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको खबर मिल जाएगी, साल दो साल में दुनिया में इससे बड़ा टूरिज्म का हब पूरी दुनिया में नहीं होगा, जितने लोग फुटफॉल जो यहां पर होगी पर ईयर के हिसाब से आप देखिएगा, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आएंगे। कनाडा के मिले आपको और मैं आपको बता रहा हूं ना, पूरी दुनिया से लोग आएंगे और इस पूरी दुनिया में जितने हिंदू हैं वो तो एक ना एक बार जरूर आएंगे यहां पर, आप सोच लीजिए। तो अगर मान लीजिए कि 1 अरब हिंदू हैं, मान लीजिए पूरी दुनिया में अगर 1 अरब हिंदू हैं तो आप समझ रहे हैं 1 अरब हिंदू का मतलब क्या होता है। 7 अरब पॉपुलेशन है पूरे धरती पर, तो हर 7वां आदमी जो है वो हिंदू होगा। 1 अरब हम है ना, उसमें से 7 में से 1 अरब हम है, तो 1 अरब एक जिंदगी में एक बार वो अयोध्या आएंगे ही आएंगे, आप सोचिए। अब गिनते चलिए कि 1 अरब को पर डे के हिसाब से आने में भी अगर पर डे 1 लाख लोग भी आते हैं तो सोचिए 100 करोड़ आने हैं, तो 100 दिन में 1 करोड़ आएगा बंदा, 100 डेज में हिसाब लगा लीजिए। और ये है हमारे पीछे मंदिर। जय श्री राम, जय श्री राम। फ्रेंड्स पूरे राम मंदिर के अंदर और भी मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो ये देखें काफ़ी काम जो है वो चल रहा है और अभी हल्की हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप शूज़ वगैरह अपने जमा करवा सकते हो, तो यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है, मतलब आने वाले यात्रियों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए। तो ये देख सकते हैं राम जी के दर्शन करने के बाद रूह जो है वो मन मुक्त हो जाती है और बस राम और राम और राम जी का नाम। फ्रेंड इस पेड़ में खूबसूरत लाइटें लगाई हुई हैं जो रात के समय बहुत ही सुंदर दिखती हैं। फ्रेंड दर्शन वगैरह कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं बाहर की ओर। अभी हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं कनक भवन की तरफ, वो चंद ही कदमों की दूरी पे है, तो गाइस चलते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स है जहाँ से जो मंदिर का सामान मिलता है, प्रसाद वगैरह और बाकी चीजें जो मंदिर के काम आती हैं। पहुंच चुके हैं कनक भवन जहाँ पे जो भगवान श्री राम जी सीता माता के साथ रहते थे, तो ये भी अंदर से काफी खूबसूरत है। अभी हम अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं और हर तरफ जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब कि काफी मंदिर बन रहे हैं, नए नए घर बन रहे हैं और होटल्स वगैरह। तो आप जब भी यहाँ पे आए फैमिली के साथ आए तो आपको स्टे वगैरह की, लंगर वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो कमेंट्स में लिख देना जय श्री राम
और बहुत बढ़िया लग रहा है घूम के। और यहाँ पे जगह जगह आपको भंडारे चलते हुए दिख जाएंगे, तो इस तरह भंडारे वगैरह भी चल रहे हैं और काफ़ी जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और अयोध्या का जो आने वाले समय में पूरा लुक जो है चेंज होने वाला है राम जी की नगरी का, और हम भी नंगे पांव घूम रहे हैं। भगवान जी ने मौका दिया कि मैं यहाँ पे आया और हनुमान जी के दर्शन किए और राम जी के दर्शन किए और अयोध्या के गलियों के दर्शन किए। मुझे बिल्कुल अपने घर के जैसा फील लग रहा है। अभी हम अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं और पूरे पूरे घर जो है वो भगवा रंग में रंग दिए गए हैं और हर तरफ जो है वो राम जी के जो भगवे कलर के झंडे हैं वो लगाए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं गलियों का आनंद लेके बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल जन्नत की तरह स्वर्ग की तरह लग रहा है अयोध्या धाम। और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं भगवान उन सबको जो है वो दर्शन के लिए यहाँ पे बुलाए और वो जल्दी यहाँ पे आके दर्शन करें। अभी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है तो चलते हैं और खाना वाना खाते हैं। गाइस ये पहली बार राजस्थानी थाली खा रहा हूँ मैं, वो भी अयोध्या धाम के अंदर। और ये राजस्थानी खट्टा, ये आलू की सब्ज़ी, ये पनीर, ये कढ़ी शायद, और ये दाल, और ये है खीर, और ये रोटी, और ये पापड़ खीरे। तो भैया ये राजस्थानी थाली है, तो ये ना पहली बार टेस्ट कर रही हूँ। राजस्थानी थाली से याद आया भाई साहब, हम गए थे जयपुर, तो वहाँ पे चोखी धाणी है, एक घूमने की जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है, और वहाँ पर जो थाली मिलती है यार, तो जो लोग चोखी धाणी गए हैं उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो थाली होती है इतनी बड़ी और इतनी चीज़ें होती हैं उस राजस्थानी थाली में यार, खा खा के आदमी, और इतना ज़बरदस्त खाना होता है, वो इतना ज़बरदस्त खाना होता है और बड़ा मज़ा आता है वहाँ पर। और वो आप पूरा नहीं खा सकते, मतलब मेरे जैसा आदमी तो नहीं खा सकता, जो भुखड़ होगा वो खा लेगा, मेरे जैसा आदमी पूरा नहीं खा सकता। वो कई चीज़ें तो छूट जाती हैं टेस्ट करने के लिए, आदमी खा लेता है, बर्बाद नहीं। मैं एक्चुअली खाना कभी बर्बाद नहीं करता, नॉर्मली आप मेरी थाली में कभी आप खाना बर्बाद आपको नहीं मिलेगा। तो वो थाली बड़ी ज़बरदस्त होती है चोखी धाणी वाली, तो जो भी जयपुर वाले तो जाते ही होंगे, और जो चोखी धाणी में गया है वो कमेंट करके बताए भाई कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या या सही कह रहा हूँ। फ्रेंड्स ये है राजस्थानी रेस्टोरेंट, यहाँ पे आप 150 रुपये में अनलिमिटेड खाना खा सकते हो। फ्रेंड्स अयोध्या में आके मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम हर तरफ चल रहा है, हर रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पहले ये रोडें जो है वो बहुत छोटी हुआ करती थी, लेकिन लोगों ने जो है वो अपने घर के फ्रंट तोड़कर जो मंदिर के लिए भगवान श्री राम जी के स्वागत के लिए जो है वो अपने घरों को तोड़ा और उनको पीछे किया, और जो है गवर्नमेंट ने उनको उसका मुआवजा भी दिया। सो उन्हीं सभी लोगों के लिए, उन्हीं सभी भक्तों के लिए एक लाइक तो बनता है। जगह जगह पे यहाँ पे जो है वो इको साउंड सिस्टम लगाए हुए हैं, जिसके अंदर जो 24 घंटे भजन जो चलते रहते हैं। हम आ चुके हैं लता चौक पे और देख सकते हैं ये है यहाँ का व्यू, और अब चलते हैं आगे की ओर। फ्रेंड्स ये है लता चौक, यहाँ पे जो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं घूमते हैं, और अभी मैं यहाँ से जो जाने वाला हूँ सरयू घाट की ओर। लता चौक यानी कि लता मंगेशकर जी के नाम पर रखा गया है, लता मंगेशकर हमारी स्वर कोकिला, ग्रेटेस्ट सिंगर एवर, उनके गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे पिताजी लोगों ने भी बचपन से सुने, पिताजी ने, बाबा ने, इन सब लोगों ने सुने, और आने वाली जनरेशन्स भी सुनती रहेंगी लता जी के गाने। तो उनको लिए, और वो वीणा रखी हुई है, वीणा होती है ना जो माता सरस्वती के हाथ में होती है, तो वीणा रखी हुई है, तो इसीलिए कि भाई हमें अपने हीरोज़ का भी सम्मान करना। भगवान राम की नगरी में अगर लता चौक हैं तो लता जी अमर हो गई, शरीर से नहीं है, नाम रहेगा, उनकी आवाज़ रहेगी पूरी जब तक ये धरती रहेगी। फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं सरयू घाट में, जो कि अयोध्या के अंदर मौजूद है, और ये वही नदी है जहाँ पे जो है श्री राम जी ने स्नान किया था। तो ये नदी जो है बहुत ही पावन मानी जाती है, मतलब के तो आप लोगों को जो है इसके दर्शन करवाते हैं, और मैं भी फर्स्ट टाइम जो सरयू नदी के किनारे आया हूँ, तो मुझे भी यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देख सकते हैं ये है कुछ बैक का व्यू सरयू नदी का, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो आगे चलते हैं और आप लोगों को जो है सरयू नदी के पूरे पूरे दर्शन करवाते हैं। फ्रेंड्स ये है सरयू घाट, तो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत दृश्य यहाँ का।
है गाइस बोट, इसके अंदर अभी हम बैठने वाले हैं और जाने वाले हैं सरयू की, और ऊपर से हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। जय श्री राम। गाइस अभी बोट में बैठ चुके हैं और बारिश जो तेज हो गई है, और ये है सरयू घाट और ये है सभी यात्री। जय सियाराम। सो फ्रेंड्स ये है वो पावन नदी सरयू घाट, और देखें कितना खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। लक्ष्मण घाट है और आगे वाला कोने वाला लक्ष्मण किला है। लक्ष्मण किला, हाँ लक्ष्मण किला। सो फ्रेंड्स ये है लक्ष्मण घाट और आगे जो है वो है लक्ष्मण किला। फ्रेंड्स सरयू घाट के दर्शन करके आ चुके हैं फाइनली, तो बोल दीजिए जय श्री राम। जय श्री राम। फ्रेंड्स फाइनली जो है वो नाव से घूम के आ चुके हैं और यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। ये है राम घाट और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत व्यू है, और पानी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा साफ़ है सरयू नदी का। तो ये देखें भैया बिल्कुल क्लीन पानी है, ठीक है ना। तो ये है सरयू घाट, बहुत ही खूबसूरत अति सुंदर व्यू है भैया, और हम भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। और अब हम जा रहे हैं क्योंकि वापस जाने का समय हो चुका है, और राम जी जो बारिश के थ्रू कृपा कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया खूबसूरत व्यू क्या हो सकता है। फाइनली जो बारिश रुक चुकी है और काफ़ी हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम। जय श्री राम जी। तो वीडियो में जब ये बोट पर थे तो आपको उधर आपको एक ब्रिज दिखा होगा ना, नदी के ऊपर, सरयू नदी के ऊपर आपको एक ब्रिज दिखा होगा। तो ये वही रास्ता है, वही ब्रिज है जिससे हम क्रॉस करके घर को जाते हैं, हम अपने गाँव जब यहाँ से निकलते हैं नोएडा से, और जब जाना होता है हमें गोपालगंज, तो वही ब्रिज है, उसके ऊपर से ही हम गुजरते हैं हमेशा, वही रास्ता ही NH है, वो नेशनल हाईवे है, तो उसी से हम गुजरते हैं। और वीडियो अच्छा था, वीडियो में उन्होंने चीज़ें दिखाई, अंदर की गलियाँ दिखाई, रामलला के दर्शन कराए, और मुझे लगता है कि भारतीयों के लिए तो ईजी है जाकर दर्शन करना, सारी चीज़ें करना, लेकिन एक पाकिस्तानी हिंदू के लिए बड़ा मुश्किल काम है। ये आसान काम नहीं है कि पाकिस्तान से आना और आकर यहाँ पर, वो भी अयोध्या में रामलला के दर्शन करना, मतलब मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत टफ काम रहा होगा, क्योंकि नॉर्मली बड़ा मुश्किल है। अयोध्या पर ख़तरे भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरे हैं। अभी हाल ही में बम वगैरह भी पकड़े गए हैं, IEDs पकड़ी गई हैं, बहुत बड़ा हमला होने वाला था अयोध्या में, तो लेकिन उसे टाल दिया गया। एजेंसीज जो हमारी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और जाहिर सी बात है कि जो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, जिनको लगता है कि इसको तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, तो हमारी ही हुकूमत चलनी चाहिए, तो भाई ऐसा है नहीं, जो चीज़ जिसकी है वो चीज़ उसकी तो होगी ही। सच चाहे कहीं भी छुप गया हो, तोड़ दिया गया हो, दबा दिया गया हो, सच तो निकलता ही है एक दिन, और सच निकल गया है। तो आप ज़रूर कमेंट करें, अब उस पर मैं कहने के लिए क्या कहूँ मैं, भगवान राम जी के दर्शन हो गए, भगवान राम की नगरी के दर्शन हो गए बैठे बैठे, और क्या चाहिए। तो कमेंट करके आप बताएं आपको कैसा लगा, और जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म। हमने तो भी बड़ा एंजॉय किया, साथ साथ लोग सर भी वे भी एंजॉय किया। मुझे तो आज भी इसी में वो थाली मजेदार लगी, राजस्थानी थाली, जिसमें हमारी सिर्फ बिरयानी जो है एक प्लेट
बिरयानी के आधा के जी होगी उसमें मैक्सिमम ज़्यादा या इससे भी कम होती है, वो 300 कहीं 320 है कहीं 300, ये रेट चल रहा है। और उसने एक और मतलब ना कनाडा से लोग भी आ गए, वो अंकल जो एक इनको वाले थे ना वो कनाडा से भी आए हुए थे। ये निजायदी सी बात है भाई, जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं वो पूरी दुनिया के लिए आ सके, लेकिन जैसे 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 उनका टाइम निकल रहा है वो आ रहे हैं भाई, तो आके विजिट कर रहे हैं। जैसे इस भाई का भी चक्कर लगा तो इसने भी वहाँ का विजिट किया, बल्कि जितना भी इसने ओवरऑल वहाँ पे दिखाया ना, मैं कहता हूँ कि वहाँ पे कोई ऐसी किस्म का कह रहे हैं कि कोई रुकावट नहीं, कोई टेंशन नहीं, वो भाई इजी गया और वापस आया। और ये जब पाकिस्तान में लौटेगा तो सोचो क्या अच्छा ही भाई पेश करेगा इंडिया। जाहिर सी बात है भाई, जो उसके साथ अच्छा हुआ होगा वहाँ पे वो बताएगा आके कि जो जो उसने वहाँ पे देखा उसके साथ अच्छा बिहेव। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई भी उसके साथ बुरा बिहेव करेगा यार। उसने अपना सिचुएशन जो है वो बताना है कि उसके साथ कितना अच्छा सलूक हुआ है, देखने के लोग उसके साथ कितने सिंसियर थे, वो नारे लगा रहे थे, जब वो नारा लगाता दूसरे जो लोग थे उसका जवाब देते थे। तो यही होता है ना, खास बात होती है कि ये हमारे पाकिस्तान में तकरीबन ऐसा, मतलब कि जो मज़ार पे या कहीं दरबारों पे जाते हैं तो हमारे भी तकरीबन ऐसे जो है ना स्टाइल होता है। और खास बात ये थी कि ये पाकिस्तानी था, हिंदू था, तो वहाँ पर गया उसके साथ किस तरह का बिहेव किया गया। हालांकि मतलब दोनों कंट्री के जो ऑफिशियल जो तलकात है वो इतने अच्छे भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने मेहमान को कितनी रिस्पेक्ट, वो इतमिन था उधर उधर की उसके चेहरे की खुशी जब वो हेलो हेलो बागड़ी शायद बोल रहा था, वहाँ दर्शन किया, उसे कहा यहाँ से इजाजत ली, परमिशन ली अब, और उसके बाद राम तो बात कर रहे थे हनुमानगढ़ी पर कि वो हनुमानगढ़ी से होकर वो कह रहे हैं इधर से हनुमान जी की लेंगे इजाज़त परमिशन तो फिर जाएंगे आगे। रामंद गए भी हमारे यहाँ, मुझे फिर वो एग्जैक्ट याद आ गया, हम इधर जाते हैं हमारे एक बहुत अल्लाह के बुजुर्ग बंदे हैं हज़रत सुल्तान उलारफिन, हज़रत सुल्तान बाऊ उनके बड़े मशहूर है, वो जंग इधर से हमें कम अज़ कम 100-150 किलोमीटर दूर है, नहीं इतना है 150 नहीं। उनके जब उनको मजार शरीफ पर सलाम करने जाते हैं तो उनके पहले उनसे कम अज़ कम ना 35 से 35 किलोमीटर पीछे उनके वालद और बाप की जो ना कब्र मुबारक है, भाई बाप उसे बोलते हैं। तो मुझे वो याद आ गया जब उनके मजार पर सलाम करने जाते हैं ना, तो कहा जाता है कि जब तक इन माई बाप यानी हज़रत सुल्तान उलारफिन के जो वालद और वालदा की कब्र मुबारक है उन पर हाजिरी ना दी जाए तो उधर की जो हाजिरी है वो कबूल नहीं होती। ये हमारी एक मिथ है, ये सच है, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं एक मरतबा गया था, एक दो मरतबा गया हूँ, जब भी गया हूँ तो जो बस वाला जो भी लेकर जाता था वो पहले उनके जो 30-35 किलोमीटर पीछे उनके वालदैन की कब्रें हैं ना उनकी ज़ियारत करवाते हैं, वहाँ दुरूद शरीफ होता है या जो दुआ होती है, उसके बाद फिर हज़रत सुल्तान उलारफिन जो मेन बड़ा टारगेट होता है वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये चीज़ मुझे वही याद आ गई जब ये भाई कह रहा था, वो अंकल भी आने को भी कह रहा था कि इधर हनुमानगढ़ी हनुमान जी से परमिशन, अलोक सर भी कह रहे हैं उन्होंने पीछे दिखाया भी मैंने रखा हुआ है हनुमान जी की मूर्ति रखी है, ये अपने अपने कैद है। तो उधर से वो होकर परमिशन लेकर उन्होंने कहा कब आ गए जाएंगे, इसलिए वो मेरे जहन में वो वाक्य आ गया। ऐसा ही होता है क्योंकि बाकी जो अपने अपने जो मानने वाला जो होता है जिसके अकायद होते हैं वो ही बेहतर जानता है कि मतलब कि अक्सर ऐसे ही होता है। तकरीबन ये आपने एक दरबार की बात की है तो इस तरह और भी काफ़ी है, अक्सर उनके पहले माई बाप होते हैं उनसे जो है ना वहाँ पर मतलब के हाजिर देकर उसके बाद आगे जाना होता है तब जा कबूलियत होती है, कहा जाता है मिथ्या या सच है अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ, आगे गहराई में तो खैर हम नहीं गए ना ही हमें कुछ पता है, इसलिए क्योंकि इसके बारे में ना पता। फिर अलोक सर की एक और बात से मुझे एक और बात याद आ रही है, अलोक सर ने कहा कि जो पूरा का पूरा अयोध्या था वो हमारे लिए क्या है राम बरकत वाला बोला कि मेरे लिए अच्छा पूरे के पूरे। अच्छा उन्होंने और भी कहा, उन्होंने कहा है कि आने वाले 2 सालों में भाई ये बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है, और बाकी उसमें थोड़ी सी अभी मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्शन जो है मुकम्मल हुई है, बाकी अभी रहती है तो कंपाउंड है ना मैं कहता हूँ वो बहुत बड़ा है, जब ये मुकम्मल तौर पर तैयार होगा ना तो ये वाकई देखने के लायक होगा। तो यहाँ पे काफी मेरे ख्याल में और कंस्ट्रक्शन अभी रहती है तो काफी चीजें भी वहाँ पे बनाई जाएगी, तो
जो एरिया है ना भाई उसका वो बहुत। और भाई ये जो अयोध्या मंदिर बना है इस पर हम 50 वीडियो कर चुके हैं, जो इसका रेवेन्यू होगा सिर्फ और सिर्फ जो उधर उधर कारोबार चले इतने लोगों की रोजी रोटी लगी है उस वक्त में मुस्लिम हो गए, कितने लोग मुस्लिम हो गए, सबकी रोजी रोटी लगी है ठीक है ना। तो इससे इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बूस्ट आने वाला इंडिया की। ये अकेला ये नहीं कि एक उनकी यानी कि वहाँ पे रेस्टोरेंट का कारोबार है वो बूस्ट होगा, ट्रांसपोर्ट का जो कारोबार है वो इससे ज्यादा बढ़ेगा, उसके बाद जो कह रहे हैं कि होटल्स वगैरह जहाँ पे रेस्ट वगैरह होती है वहाँ का कारोबार जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, यही है ना इसकी वजह से। वो भाई भी बता रहा था कि लोगों का आना जाना जो पक्ष है हिंदू उधर गया हुआ वो भी बता रहा था कि हजारों साल चलने वाले स्ट्रक्चर बता दिए, और ज्यादा से ज्यादा पत्थर जो राजस्थान से लेकर आए हैं, यानी कि सारा काम ही पत्थर का किया, एक कोई दरवाजे है वो सोने के बाकी चीज पत्थर की है, सारे के सारे पत्थर। बड़ा शानदार व्यू था, मजेदार थी वीडियो, मिलता था वीडियो में डाटा साथ, अब तक तो इजाजत।